आप सुन रहे हैं स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का यह वैदिक प्रवचन कर्मफल पर आधारित। आप यह वीडियो पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद। आज मैं एक वैदिक सिद्धांत आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, क्योंकि उसका समझना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कर्मफल व्यवस्था, कर्मफल व्यवस्था को न समझ करके व्यक्ति जीवन में बहुत सारे पाप करता है। हम पापों से कैसे बचें? जिस व्यक्ति ने कर्मफल व्यवस्था को अच्छी तरह से जान लिया, समझ लिया, वास्तव में वो व्यक्ति पापों से बच जाता है, अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। आइए थोड़ी देर के लिए आप लोग चर्चा से जुड़ने का प्रयास करें, और मैं उम्मीद रखूंगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा। माता बहनों, सज्जनों, हम लोगों का जो वर्तमान जीवन रूपी इमारत है, ये कर्म रूपी नीम पर टिकी हुई है। मैं निवेदन किया करता हूं कि आज हम लोग जैसी भी स्थिति में है, ये सारे के सारे हमारे कर्मों के फल के अनुसार है। काश हमने पूर्व जन्म में और बेहतर कर्म किए होते तो हम लोग आज कुछ दूसरी स्थिति में होते। देखिए, आज जिस स्थिति में है वो सारी की सारी कर्म के ऊपर निर्धारित है। जैसा कर्म किया वैसा परमपिता परमात्मा ने हमको फल दिया। ये जो कर्म फल की व्यवस्था है, अभी आदरणीय पंडित जी बता रहे थे पुनर्जन्म वाली बात, कि वैदिक सिद्धांत के अंदर ही है। बाकी धरती पर बहुत सारे प्राणी हैं, यदि हम उनसे एक प्रश्न करते हैं कि भाई एक बात बताओ, दो बच्चों ने जन्म लिया, अभी कर्म किसी ने नहीं किया है, केवल जन्म लिया है, एक ने बहुत बड़े श्रीमंत परिवार में जन्म लिया, तो जन्म लेते ही वो बच्चा अरबों खरबों का मालिक हो गया? नहीं हुआ, हो गया जन्म लेते, कर्म तो उसने नहीं किया, पैसा तो नहीं कमाया उसने, लेकिन जन्म लेते ही वो स्वाभाविक रूप से अरबों खरबों का मालिक हो गया। और एक बच्चे ने ऐसी मां के गर्भ से जन्म लिया, जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, रोड पर, जिनका कोई आशा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, वहां भी एक बच्चे ने जन्म लिया है, और वो बच्चा जन्म लेते ही बिल्कुल दरिद्र है, उसके पास कुछ नहीं है। एक जन्म लेते ही करोड़पति है और एक रोडपति, एक रोड पर पड़ा हुआ है। ये अंतर क्यों है? कर्म तो किसी ने किया नहीं। थोड़ा सा यदि हम बुद्धि से विचार करके चलते हैं तो संसार में कुछ उलझन भी बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है, सब समझ में आ जाता है। ये अंतर क्यों है? ये अंतर निश्चित रूप से हमारे कर्म फल व्यवस्था के आधार पर है। जिस बच्चे ने कर्म कुछ नहीं किया और बिना किए हुए जो अरबों खरबों का मालिक बन गया, बड़े श्रीमंत परिवार में जिसने जन्म लिया, निश्चित रूप से पूर्व जन्म में उसने कुछ पूंजी जोड़ी होगी जिसका इस जन्म में परमपिता परमात्मा ने भुगतान किया है। और जो रोड पर पड़ा हुआ है वो पूरी तरह से अपना मामला साफ करके आया, उसने कुछ नहीं किया, तो उसको मिलना ही क्या था? बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है, इसमें ज्यादा उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ आप देखो कैसी विचित्रता है। हम एक कंपनी के अंदर गए, दवा फैक्ट्री थी, दवाइयां बन रही थी, तो जब दवाई बनती है, कोई भी चीज, ईंटे देख लो आप, या ये मोबाइल बना है, तो पहले जो इंजीनियर लोग थे उन्होंने एक सांचा तैयार किया कि हमको इस मोबाइल को शेप कैसे देनी है, आकृति कैसे देनी है, इसके लिए उन्होंने एक सांचा पहले बनाया। ईंट बनाने वाला भी सांचा बनाते हैं, उसमें मेटेरियल भर देते हैं, जो टेबलेट दवा बनाते हैं, हर मेटेरियल का पहले सांचा बनाया जाता है, तो उस सांचे के अंदर जो भी मेटेरियल डालते चले जाते हैं वो सारे के सारे वैसे ही निकलते चले जाते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में मोबाइल निकले होंगे, वो एक जैसे ही होंगे, आप उनमें भिन्नता नहीं कर सकते कि ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल एक जैसे। और दूसरी तरफ आप देखो
माता पिता एक हैं, लेकिन एक माता के गर्भ से तीन बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन तीनों में भिन्नता है, न रंग में मिलते, न रूप में मिलते, न बुद्धि में मिलते, अलग अलग उनके स्वभाव हैं, सब कुछ पूरी तरह से भिन्नता है। ये भिन्नता क्यों है? सब कुछ कर्म फल व्यवस्था है, इसलिए कर्म फल व्यवस्था को समझना बहुत ही जरूरी है। मैं एक जगह कार्यक्रम के लिए गया, जिस परिवार में ठहरा हुआ था, परिवार बड़ा श्रीमंत परिवार था, बच्चों से बड़ा प्रेम होता है, उनसे मैं थोड़ी हंसी मजाक भी करता हूँ, बातचीत भी करता हूँ। कार्यक्रम के बाद जब मैं आया तो एक बच्चा आंगन में खेल रहा, घर के बाहर खेल रहा था, घर बड़ा आलीशान था, कई मंजिल की कोठी थी। मैंने बच्चे से पूछा कि भाई ये मकान किसका है? बच्चे की उम्र होगी लगभग 5-6 वर्ष। अभी बच्चा अच्छी तरह से स्पष्ट भाषा में बोल भी नहीं पा रहा था, और जैसे ही मैंने पूछा कि मकान किसका, बोला मेला है। मेला भी नहीं कह पा रहा, बोला मेला है। मैंने कहा तेरा कैसे है, तूने इसको बनवाया क्या, तेरे सामने बना? बोले नहीं, मैंने तो नहीं बनवाया, तू इसको अपना बता रहा है, अपना अधिकार जमा रहा है। तुझे पता है इस मकान में कितनी ईंटें लगी, कितना सरिया लगा, कितना सीमेंट लगा, कुछ पता है, हिसाब किताब है तेरे पास में? बोले नहीं है। मैंने कहा फिर बनवाया किसने? बोला दादाजी ने। मैंने कहा भले आदमी, दादाजी ने मकान बनाया तो उस पर अपना अधिकार वैसे जमा रहा है। बोले दादाजी मेरे तो मकान मेरा। अब बड़ी विचित्र बात है, दादाजी ने पूरे जिंदगी पूंजी जोड़ जोड़ करके, बड़ी मेहनत करके मकान बनवाया, और दादाजी की तो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगने वाली है, और पोत आया उसने अधिकार जमा लिया, बोलो मेरा है। ये क्यों हुआ? कर्म। पिछले जन्म में उस बच्चे ने कुछ पूंजी जोड़ी है तो परमात्मा ने उसका भुगतान कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है। इस कर्म पर व्यवस्था को समझिएगा, इसमें व्यक्ति बड़े उलझन में पड़े हैं, लेकिन उलझन कुछ नहीं है, थोड़ा सा दृष्टि से सोच करके चले। ये भेदभाव क्यों है? एक व्यक्ति पुनर्जन्म को नहीं मानता, कर्म पर व्यवस्था को नहीं मानता। मैंने कहा श्रीमान जी, बोले ये सब ऑटोमेटिक है, आप दूसरे जो अन्य मान्यताओं के मानने वाले जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे कि भाई एक बात बताओ, एक व्यक्ति दुखी एक व्यक्ति सुखी क्यों है, एक धनाढ्य है एक निर्धन क्यों है, एक विकलांग है और एक रूपवान क्यों है? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो कहता है ये सब ऐसे ही खुदा की मर्जी, जैसा जिसने चाह उसको वैसा बना दिया। आपके पास इसका उत्तर है, आप कहते हैं कर्म फल व्यवस्था है, जिसने जैसा कर्म किया परमात्मा ने वैसा उसका भुगतान कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट है। तो माता बहनों, मैं आज आपके बीच में कर्म फल को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि इसको जानना समझना बेहद जरूरी होता है। आज वर्तमान समय में देखो, हमारे जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सर्वत्र एक बात आई कर्म को लेकर के। वेद भी स्पष्ट कहता है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा और पुराणों के अंदर भी ये बात लिखी है कि जीवात्मा जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है। ऐसा जहां तक मेरा स्वाध्याय, हमारे पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, भजन उपदेशक भले ही लेकिन बहुत बड़े विद्वान हैं, चिंतक हैं, इन्होंने भी बहुत स्वाध्याय किया है, इनकी दृष्टि में भी संसार में ऐसा कहीं नहीं आया होगा कि जीवात्मा ने जो कर्म किया है उसके कर्म के फल से वो कोई अनुष्ठान आदि करके बच सके, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन विडंबना की बात यह है, एक तरफ तो हिंदू समाज पुनर्जन्म को मानता है, कर्म फल के सिद्धांत को मानता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर भी लिख दिया अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्, आपने जैसा किया है उस कर्म का फल आपको अवश्य में भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। ऐसा कोई जप नहीं, तप नहीं, यज्ञ नहीं, योग नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं जिसको करने से आप कर्म के फल से बच सको, भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्पष्ट गीता में कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पाखंडी लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, भोले भाले लोगों को जिनको शास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़े,
उनको बरगलाते हैं, उनको बहकाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैं नाम लेकर के भी बोल देता हूं, हमारे मथुरा से एक भागवताचार्य पैदा हुए हैं, बड़े बड़े भागवताचार्य हैं, लाखों की दक्षिणा प्रतिदिन की होती है, ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज, नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो प्रवचन कर रहे हैं और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कितना ही पापी व्यक्ति क्यों ना हो, उसने अपने जीवन में कितने भयंकर से भयंकर पाप किए हो, यदि वो दो बार एकादशी का जीवन में व्रत कर लेता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। एक तरफ भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जो किया है भोगना पड़ेगा, शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, लेकिन देवकी नंदन सर्टिफिकेट देने के आपने जैसा कुछ भी किया है केवल दो बार एकादशी का व्रत कर लो, सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी। आप मुझे बताइए, हमको शास्त्र की बात माननी चाहिए, भगवान कृष्ण की बात माननी चाहिए या ऐसे मूर्ख पाखंडियों की बात माननी चाहिए? शास्त्रीय योग्यता दो धीरे की नहीं, मैं स्पष्ट अभिमान के साथ नहीं कह रहा बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी भी जन्मभूमि मथुरा है, पास में मेरा भी गांव है, जानते वो मान भाव है, कोई शास्त्रीय योग्यता नहीं है, बस भागवत पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का काम नहीं है, इसके लिए ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दो उस भागवताचार्य की दो चार बार सीधी सुन ली, उसकी सुन ली, दो चार श्लोक रट लिया, बस बन गए भागवताचार्य, थोड़ी बोलने की इच्छा लानी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जो हमारे हिंदू समाज में व्यासपीठ पर पीठासीन हो गया उस व्यक्ति को बड़ा प्रमाणिक माना जाता है, वो चाहे कुछ भी उजुर फुजुर कुछ भी बक रहा है, उसके एक एक शब्द को लोग प्रमाणिक मानते हैं, ये हिंदू समाज के लिए बड़ी विडंबना की बात है। तो निवेदन मैं आपके बीच में कर रहा था, याद रखना कभी भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता है, भोगना ही पड़ता है, और वेद का मंत्र कहता है पक्तारं पक्व पुनराविशाति नैकिर्विषम तृणाधारो अस्ति। परमपिता परमात्मा क्या करता है, तो वेद का मंत्र कहता है कि परमपिता परमात्मा जीवात्मा जो पकाता है उसको उसके सामने परोसने का काम करता है। पकाते हम स्वयं हैं, भगवान तो केवल परोसते हैं, हमने जैसा पकाया है वैसा हमारे सामने रख दिया जाएगा। तो माता बहनों सज्जनों याद रखना, कभी भी किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता। एक बहुत बड़ा पाखंड समाज में चलता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भागवत कथा का श्रवण कर लिया जाए तो क्या होता है, सात पीढ़ी अकेला ही नहीं, सात पीढ़ी तर जाती है, सात पीढ़ियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये महा अधर्म की बात है, महा झूठ है। और बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कहते हैं जो व्यक्ति गंगा में खा लिया उसके भी सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और इसलिए गंगा में नहाने वालों की भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लेकिन व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि से नहीं सोच रहा। देखो पाप का फल होता है दुख और धर्म का फल होता है सुख, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अच्छा कोई व्यक्ति दुखी है तो निश्चित रूप से समझना कि उस व्यक्ति ने कभी पाप किया है जिसके परिणाम स्वरूप दुख हो रहा है। अच्छा आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, बहुत सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है, क्यों है, उसके पाप का ही तो फल है। अच्छा कोई कुरूप होना चाहता है, कोई काला होना चाहता है, कोई नहीं चाहता। माँ के यदि माता पिता के हाथ में बनाना होता संतान को तो कोई माँ अपने बच्चे को काला कुबरा नहीं बनाती, बड़े स्मार्ट बना के पैदा करती, बड़े बुद्धिमान बना के पैदा करती, लेकिन माँ की भी नहीं चल रही, पिता की भी नहीं चल रही। तो मैं आपको बीच में निवेदन कर रहा था कि पाप का फल होता है दुख और धर्म का फल होता है सुख। अब देखिए जो लोग ये कहते हैं कि भागवत कथा सुनने से सारे पाप कट जाते हैं, मानिए कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से विकलांग है, अच्छा विकलांग हुआ है तो उसके कर्म का ही तो फल होगा। वो कथा सुनने गया तो उसने सात दिन तक कथा सुनी और सात दिन में तो सारे पाप कट ही जाते हैं ऐसा लोग बता रहे हैं, तो फिर जब कथा सुनने के बाद वो सातवें दिन उठे तो बिल्कुल ठीक ठाक उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए, उसके पाप कट गए अब तो ठीक हो जाना चाहिए। वो पापों का ही दंड तो भोग रहा था जो विकलांग हो गया था, मंद बुद्धि था, कुरूप था। वैदिक प्रवचनों को सुनने के लिए और वैदिक भजनों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।